अच्छा मुजम्मल भाई, मैं सुनन चाह रहा सी कि लोगों तो भी सुन रहे हैं। उस तो बाद असी आख्या चलो लोगों से सुनिया सुनाइया गल् होंदिया ने, लेकिन जिनी देर तक बंदा आदि अखा नाल देख ना लवे ते कन्ना नाल सुनना लवे किसी ते इतबार या यकीन नहीं करना चाहिंदा। ते इंडिया वाली साइड ते मैं सुना है कि लोग सूअर दा गोश्त वगैरह खांदे हैगे ने ते उन्होंने पाले हैगे ने, क्या गल सच्ची है जी? हाँ, उन्होंने वाड़े बने हुए होंगे ने, उत्थे उन्होंने चक्का छेवें फिरते होंगे ने, तो बकायदा जेडे ज्यादातर डर जाते हैं वो फिर गेट लंघ आते हैं, इधर गेट खुला हो लंघ आए तो इतने आते ने फसलों के साडे वाली नरमे आ गया तो उन्होंने टेंडे खाधी रखे, जे कणक आ गई कणक थोड़िया कैरिया हुई उत्तू सिटा खा लिया, बाकी की मात दी ऐतकी इन्हें इतने बड़ा खराब किया। अच्छा, तुम इतनी उम्र होगी, तुम आदि जिंदगी कद आदि अखा देखे हो इधर सोर आया हो? असी स्प्रे करन जाने अगू पे होंगे उत्ते चले जाने, फिर बा डर ते बाज बुज जाने ने। उस तो बाद नील गाय जेड़ी है वो भी इत्थे बहुत है, वो भी बा हरी फसल उसी ते आ जा सन, वो भी खानी शुरू कर दे सन। अच्छा, तुहानू कदे नुकसान नहीं पहुंचाया सूअर वगैरह ने? नहीं, एहो जिहा कदे चांस नहीं होया। सही हो गया, सही हो गया। एक अद्धी दफा पुराने दौर च होया सी, वो बस एक माई नू उहने मारिया सी ते बाकी को नहीं। इत्थे तां साडे कोल डर ते बच जांदा ओ इंसान, तो तुहानूं पता फिर चीज हर चीज बिलकुल जी बिलकुल बिलकुल, ओह डरदे ने ते बा जीरो लैण लग जांदे ने, कोई वग इकट्ठा होया होया हुंदा है। अच्छा अच्छा मुजम्मल भाई जी, जिवें तुहाडा पिंड हैगा बस्ती जेड़ुआं दे नाम तों है जी, हां, ते इधर कोई इंडिया दा पुराना घर हैगा? इंडिया दा घर ते कोनी, हुण उस दौर दे मकान खड़े ने, बहरहाल इंडिया दे इत्थे कोनी, इंडिया वाले पिछे रोड़ू वाली साइड ते इधर रहिंदे सी, उधर रह गए ने उहनां दे मकान, गुरुद्वारे सिखा दे खड़े है ने। इत्थे मकान तो फिलहाल कोनी हैगा, मकान तो बाकी पुराने दौर दे है ने, 2000 दे 1999 दे इस दौर दे है ने मकान, ते ओ चीज कोनी है। अच्छा, जेड़ा तुसी इलाका दसदे पे जो रोड़ू वाला, इधर मतलब के सिखा दे गुरुद्वारे हैगे ने, घर हैगे ने, कदे कदे पंजाबी सिख भरा इधर आए होवन ते आदा घर या गुरुद्वारा विजिट कीता होवे? नहीं, वो तो काफी पुरानी गल है, हुण वो चलते नहीं, क्यों गुरुद्वारे बस कलिया दीवारा ही उन्होंने खड़िया ने। अच्छा, ते एक हवेली हैगी मम्मदपुर संसारा च, वो सिखा की खड़ी हैगी, मशहूर हवेली है। अच्छा, आए वो कदे नहीं, बस वो फिर मौजा वंड हो गई, वो अपने आल इलाके आल चले गए, असी अपने आल आ गए। सही हो गया, एवं करके सही। जीरो लाइन तो कितने किलोमीटर दूर है? जीरो लाइन तो तकरीबन है 2-3-4 किलोमीटर दूर। अच्छा, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਝੀ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਝੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਟੋਬਾ ਬਲੋਚਾ 'ਚ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਵਟੂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਦਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਈ ਵੂਈ ਇੱਥੇ ਅੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਵਟੂ ਦਾ, ਮਾਝੀ ਖਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਗਿਆ ਮਾਝੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਝੀ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੱਟੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਝੀ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਝੀ ਖਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਮਾਝੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਝੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵਡੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਖੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਵਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਵਕਾਰ ਔਰ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 3 ਮਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਚਲੋ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਾਸ਼ੀ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਡੀਅਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਲੌਗ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਮਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਮੰਡੀ ਸਾਦਗੰਜ ਕੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾ ਮੈਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਰਾਨੋ ਕੀ ਪਿੰਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉਨਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਔਰ ਉਨਕਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਜ਼ਹ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਪ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੌਣ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਸਤੀ ਜੇੜੂਆਂ, ਲਾਸਟ ਵਿਲੇਜ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬਸਤੀ ਜੇੜੂਆਂ।
पूरा ही ओल्ड कल्चर इन पे है पुराने दौर के घर पैन 2000 90 की गल कर लवो या उस तू अगे पिछे जाने रहो अच्छा नाजरीन असी गप्पा शप्पा ला रही बड़िया बार्डर के बारे पूछ लिया भाई वकार और भी तो हूँ असं जरा ना भाई वकार और आते हैं सू जो ना अपना पिंड विखावो सारा जो कच्चा पिंड है ये बस्ती जेडवा हैगी है तो हूँ असं चले हैं पिंड तो भाई मुसलमान भी आ वाला पिंड है जी तो आप हम विजिट करने हैं ये मुजम्मल भाई दे नाल जाके तो नाल नाल तुहानू भी विजिट करवाने हैं असीं चले हैं पिंड बस्ती जेड़वा ए ठाड़िए ने तो आज नहीं वेख सकते ने बस्ती जेड़वा की मस्जिद हैगी है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये आला हाले नहीं विखाया ही नहीं है वो तो वाला तेन हाले विखाया ही नहीं चल मुजम्मल भाई नहर केड़ी है सादकिया कैनाल ये आरे भाई मुजम्मल नहर केड़ी है इनका की नाम है सादकिया कैनाल ये केड़ी सा किधरू आ रही है कि दरिया निकल रही है कि किसे नहर दे विच निकल रही है हेड सुलेमान की च निकल रही है इंडिया च आ रही है इंडिया तो आ रही है साडा दोस्त है एक जड़ा ना सूरज बालदा फिरदा है रीला बनावण वास्ते लैंदे पंजाब दियां अच्छा फिर की कह रहा सी ए जनाब नहर दे बारे तुसी पुछदे पैसो नहर आ रही निकलदी पई हेड सुलेमान की चू ते पिछू इंडिया चू आ रही है अच्छा जी हां एंदा मुआहदा होया भारत माता नाल आज तो तकरीबन पता नहीं किन्ने साल पहले ते ये पानी ओना इनका छड़ना ही छड़ना है वह कि कार नहीं सकते मुहदे के